दसवें अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के वर्णन करते समय कहते हैं, महर्षिणाम भृगुरः ईरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु मुनि हूं, शब्दों में एकाक्षर प्रणव हूं, यज्ञों में जप रूप यज्ञ हूं, स्थावर पदार्थों में मैं हिमालय पर्वत हूं। तो हमने देखा था भृगु मुनि ये सभी मुनियों में एक विशेष प्रकार के मुनि, तो जहां जहां पर कोई भी विषय में, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति में जो विशेषता है, यदि विशेषता दिखती है तो वो ईश्वर की विभूति है, ऐसा समझना चाहिए। तो मुनियों में, महर्षियों में मैं भृगु मुनि हूं, शब्दों में एकाक्षर प्रणव हूं, प्रणव माने ओम। यह ओम प्रत्येक कोई भी मंत्र हिंदू शास्त्रों में जब दिया जाता है शिष्य को, गुरु देते हैं मंत्र को जाप करने के लिए, उसमें प्रणव अवश्य लगाते हैं, बिना प्रणव के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। यह प्रणव अत्यंत पवित्र वह शब्द है, ओम अ उ म, ये तीन अक्षरों से मिला हुआ एक ही शब्द ओम, और यह सर्वश्रेष्ठ शब्द माना जाता है। उसके कई कारण हैं, कई उसमें हमारे शास्त्रों में उसके कई कारण बताए हैं, विस्तार में हम लोग न जाएं, परंतु इतना कर सकते हैं कि अ उ म हम जब बोलते हैं तो मानो नाभि का, नाभि से नीचे से वह आवाज आती है अ की, और जब हमारा, हमारी वाणी जब समाप्त होती है तो होठों से निकलती है, मुंह बंद हो जाता है, म ऐसा बोलते हैं, और भीतर में जो गले के भीतर से जो शब्द निकलता है, जो अक्षर निकलता है वह है उ। तो अ उ म इससे जो बना हम ओम, यदि ठीक से उच्चारण किया जाए तो मानो सभी स्वर, जितने स्वर हैं सातों स्वर, या फिर हम जिस प्रकार से हमारी जो शब्दावली या जो हमारे अक्षर जो हम कह सकते हैं, हमारे जो हमारी योग्यता है अक्षरों को बोलने की, तो सारी योग्यता का एक साथ व्यवहार हो जाता है जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, अ उ म, और यही ओम आमीन बनता है, यही ओम आमीन बनता है, अमीन बनता है, आमीन बनता है। तो मानो सभी धर्मों में भी किसी न किसी रूप में इस ओम की व्याख्या की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी, जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके गुरु भाई के साथ हिमालय का प्रवास कर रहे थे, हिमालय की यात्रा कर रहे थे, उस समय अल्मोड़ा के पास एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ तीन छोटी नदियाँ मिलती हैं, काकरी घाट, वो स्थान अभी भी है, एक पीपल के पेड़ के नीचे अत्यंत रमणीय स्थान। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अखंडानंद जी महाराज को गंगा कह के पुकारते थे, गैंजिस, गंगाधर उनका नाम था। स्वामी जी की यह मानो विशेषता थी कि सभी को कुछ न कुछ निक नेम दे देते थे मजाक के रूप में, तो गंगा के नाम से उनको पुकारते थे, गंगाधर महाराज को, अखंडानंद जी को। उन्होंने कहा, गंगा कि मैं यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है, मैं यहाँ पर ध्यान करना चाहता हूँ, और बहुत गहरा उन्होंने ध्यान उनका हुआ। ध्यान के बाद उन्होंने कहा, गंगा इस पेड़ के नीचे मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस,
मेरे जितनी उपलब्धियां हुई आध्यात्मिक से एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि मुझे यहाँ पर हुई, जहाँ पर मुझे यह पता चला कि यह जो माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं, इसकी साक्षात अनुभूति मुझे यहाँ पर हुई। और यह जो अपनी अनुभूति को बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, उसमें उन्होंने यह बताया, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड। तो यह जो बाइबल की बात है, बाइबल में कहा गया कि प्रारंभ में केवल शब्द था और वह शब्द ईश्वर के साथ था, तो सृष्टि का प्रारंभ एक शब्द से होता है, ऐसा बाइबल कहती है, ऐसे ईसाई शास्त्र कहते हैं और हिंदू शास्त्र भी यही कहते हैं कि ओंकार प्रणव या शब्द ध्वनि से वो बहुत बड़ा स्फोट, जिसका नाम दिया ओम नाम का एक स्फोट, उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और मॉडर्न साइंस यही कहता है कि यह जो सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा शब्द हुआ, वो शब्द क्या था हिंदू शास्त्र का, वो शब्द था ओम। बिग बैंग थ्योरी है कि सारे विश्व की सृष्टि एक बिग बैंग से हुई है। अब धीरे धीरे यह मॉडर्न साइंस इस बार भी बात करता है कि वह सृष्टि का प्रारंभ जैसा हुआ, विनाश हुआ, फिर से प्रारंभ हुआ, एक साइक्लिक प्रोसेस है, हमेशा के लिए उसका अंत नहीं होता है, इस बात को भी अभी मॉडर्न साइंस स्वीकार कर रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी को यह साक्षात अनुभूति हुई थी कि उस शब्द से ही सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और वह जो शब्द है, पवित्र शब्द, वह है ओम। तो इस प्रणव के लिए, प्रणव के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी किताबें लिखी गई, हजारों वर्षों से किताबें लिखी जा रही है, अभी मॉडर्न साइंस पर, मॉडर्न साइंटिस्ट पर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। उन लोगों ने देखा कि जहाँ पर कि ओम का उच्चारण करते हुए एक कोई म्यूजिकल कैसेट रख दी ओम के उच्चारण की, तो जो बगीचे थे उसमें जो पेड़ थे उसमें ज़्यादा पेड़ ज़्यादा अच्छे फल आने लग गए, ज्यादा मात्रा में फल आने लग गए, जो गाय थी वो ज्यादा दूध देने लग गई। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि ओंकार शब्द का क्या प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, परिस्थिति पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है, उस पर कई प्रकार की रिसर्च चल रही है। तो यहां पर उसको कहा गया कि महर्षिणाम रुग्रहम गिरा मस्येकम अक्षरम। तो शब्दों में, गीरा मतलब शब्द, शब्दों में एकम अक्षरम, एकाक्षर प्रणव, मैं हूं, यह मानो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ही वह प्रणव शब्द है, यह ईश्वर का स्वरूप है, यह जो ओंकार है। तो इस ओंकार के बारे में बहुत सारे प्रकार की रिसर्च हो रही है, हुई है, और उसको सबसे पवित्र शब्द माना गया। और उसी प्रकार से फिर कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये जप यज्ञ ये क्या होता है, बाकी सब यज्ञ तो ठीक है, वो यज्ञ जो होते हैं उसमें साधारणतः हम ऐसा मानते हैं यज्ञ का मतलब होता है एक कुंड रहेगा और उसमें कुछ लकड़ियां डालेंगे और हवन करेंगे तो एक यज्ञ हुआ, ऐसा हम मानते हैं। पर यहाँ विचित्र प्रकार का यज्ञ बताया गया जप यज्ञ। तो जप यज्ञ कैसे होता है, उसके लिए कोई लकड़ियों की आवश्यकता नहीं है, कोई इस प्रकार से हवन कुंड की आवश्यकता नहीं, घी की आवश्यकता नहीं। तो यह जो है जप यज्ञ, ये जप करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। तो ये जो जप यज्ञ, उसको श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया। जिस जप यज्ञ को करने में, राजस्व यज्ञ करने में तो कितना
हम सोचते थे महाभारत कालीन में बताया गया कि राजसूय यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कैसी बात बोलते हैं, राजसूय यज्ञ की बात नहीं करें, बोलते सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ, और इस जप यज्ञ में कितना खर्चा, 0 रुपीज, 0 रुपया, कुछ करने की आवश्यकता, केवल मन में उस मंत्र का जाप करना है, यही यज्ञ बन जाता है, एक बहुत बड़ा यज्ञ बन जाता है, केवल मंत्र का जाप करना ही क्या हमें उस परम पद की प्राप्ति करा सकता है, या फिर वो हमें वो परम शांति की प्राप्ति करा सकता है। इस प्रकार का हमको मानो इस प्रकार का संशय हमारे मन में होता है कि क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है, पर ये हमारे शास्त्र, केवल हमारे शास्त्रों में नहीं, ये मंत्र जाप की जो बात है, मंत्र का जाप करना, जाप करना मतलब बारंबार उसका उच्चारण करना, और जाप भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाए वाचिक जप, जो हम मुंह से बोलते हैं मंत्र का जाप, उसको वाचिक जप बोलते हैं, और दूसरा होता है मानसिक जप, जो मन में जप करते हैं, और तीसरा होता है उपांशु, उपांशु में केवल होठ हिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्रों की उच्चारण होता है, तो श्रेष्ठ माना जाता है मानसिक जप, और यह मानसिक जप के बारे में हमने पिछले वक्त कहा था, श्री माँ शारदा देवी बारंबार कहती थी 10-15 हजार जप करने से, 15-20 हजार जप करने से मन को अवश्य शांति मिलेगी, सभी प्रकार की समस्याओं दूर हो जाएगी, और द इजिएस्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ श्री रामकृष्ण इन साइलेंस। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं के समाधान का सर्वश्रेष्ठ उपाय और सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है ईश्वर के मन का, ईश्वर के नाम का जप करना। यह माँ शारदा ने कहा था, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी, किस प्रकार से हमारे माँ शारदा देवी ने भी कहा, श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष, वे भी मंत्र जाप पर बहुत अधिक बल देते थे, बहुत अधिक जोर देते थे कि नहीं, मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करने से ही सब कुछ हो जाएगा, यदि ध्यान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक प्रगति होगी और सभी प्रकार से हमारे लिए कल्याण रूप होगा। यदि हम कोई बोलते अजपा जप, मतलब कंटिन्यूस जप, बिना रुके जप, उसकी भी बात है कि जहाँ पर जिस प्रकार से सांस चलती रहती है, सांस कभी बंद नहीं होती, सांस यदि बंद हो गई तो मृत्यु, तो प्रत्येक सांस के साथ मंत्र जाप करना अजपा जप कहलाता है। तो ये अजपा जप की भी बात है, मंत्र जाप अधिक से अधिक करना चाहिए, ऐसा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जपम 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 व्हाइल यू वर्क प्रैक्टिस जपम, लेट द व्हील ऑफ द नेम ऑफ गॉड गो राउंड एंड राउंड अमिडस्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जीवन के जितने भी कार्य जप करते हो तो साथ साथ में ये भगवान के नाम का चक्कर, मंत्र जाप का चक्कर मन में चलाते रहो। स्वामी शिवानंद जी महाराज जो द्वितीय अध्यक्ष हुए, वो भी मंत्र जप पर काफ़ी जोर देते थे। तो हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की ये परंपरा है कि मंत्र जाप को अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ध्यान करना उतना सहज नहीं है सभी लोगों के लिए, जब तक कि चित्त शुद्धि नहीं हो जाती है तब तक वह ध्यान करना उतना सरल नहीं है, और इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है मंत्र जाप। ईश्वर के नाम का स्मरण करने से धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा और ध्यान के लिए प्रस्तुत हो जाएगा, और यह जो परंपरा रामकृष्ण मठ मिशन की है वो अपनी नई परंपरा नहीं है, हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा है, जहां पर हिंदू शास्त्रों में हमारे जितने महान संत हुए, चाहे तुलसीदास हुए, चाहे कबीर हुए, चाहे मीरा हुई, ये जितने संत हुए, चाहे वो तुकाराम हुए, महाराष्ट्र में हुए, गुजरात में हुए, नरसिंह मेहता हुए, ये सभी जितने संत हुए हमारे देश में, जितने प्रकार के पंथ हुए, उन सब में ये मंत्र जाप, इसके महत्व पर बहुत बल दिया गया। जप यज्ञ, जप यज्ञ, जप करो, जप करो, जप करो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है,
उसमें तो मंत्र जाप को ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनाया गया साधना का, जहाँ पर कि कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो उसमें सन्यासी बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, उन लोगों का काम है वो अविरत मंत्र जाप करते रहते हैं और एक मंत्र जाप किया, एक चावल का दाना अलग किया, दूसरा मंत्र का जाप किया, दूसरा चावल का नहीं, जितने चावल के दाने इकट्ठे हुए उतना ही भात खाना है, तो अपने आप ज्यादा जप हो जाता है। तो बोले इतने जप चावल से कैसे होगा, तो अपने आप वो ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि नहीं भाई अब तो इतना मुट्ठा भर के तो चाहिए कि जप करो, एक एक दाना रखते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ। ये चैतन्य महाप्रभु की जो उनका संप्रदाय है उसकी परंपरा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो वैष्णव धर्म है उसमें तो कहा ही गया, श्री रामकृष्ण देव ने उसी धर्म को उसी को समझाते हुए कहा था कि वैष्णव धर्म में तीन बातें हैं, नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा होनी चाहिए, जीवे दया, जीव पर दया होनी चाहिए। बाद में उन्होंने कहा था जीव पर दया करने वाला तू कौन है रे, तू शुद्ध कीटाणु इस पृथ्वी पर का, नहीं नहीं जीव पर दया नहीं, जीव की शिव ज्ञान से सेवा। और इसी को लेकर के स्वामी विवेकानंद ने बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पर यह नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये वैष्णव धर्म का मन मुख्य एक संबल है, साधना का मुख्य स्वरूप है। तो न केवल वैष्णव धर्म, और भी हमारे जितने संप्रदाय हैं सभी जगह पर ईश्वर के नाम के जप का बहुत अधिक महत्व है। गुरु नानक, गुरु नानक ने भी भगवान के नाम के जप नाम को बहुत महत्व दिया। गुरु ग्रंथ साहिब का जितना महत्व है उतना ही भगवान के नाम का महत्व है। और जप जी, उसका नाम ही दिया जप जी, किताब का नाम ही जप जी, कि बार बार उसका जप करना पड़ेगा, ईश्वर के नाम का जप करना पड़ेगा। तो जप जी की बहुत बड़ी महिमा सिख संप्रदाय में, गुरु नानक के संप्रदाय में है। जैन धर्म में भी भगवान महावीर के नाम को लेकर के खास करके नवकार मंत्र का जाप बहुत अधिक माना जाता है। नवकार मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी जगह पर करते हैं, नवकार मंत्र का घंटों के घंटों, दिनों के दिन ऐसे उनके यज्ञ चलते हैं जहां पर नवकार मंत्र का जप चलता है जैन धर्म में। और हिंदू धर्म में तो बताया बहुत सारे संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय में, सभी शास्त्रों में, सभी संतों ने, चाहे रामचरित मानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे संत हैं, ये सभी ने भगवान के नाम के मंत्र के जाप का बहुत बड़ा गुणगान किया है। भगवान के नाम का गुणगान किया है, राम नाम ते राम अधिक कर दासा, यही कहा कि राम जो है, राम नाम जो है राम से भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली है, और उसकी भी कई कथाएं हैं। तो यह हमारे हिंदू शास्त्रों में तो भगवान के नाम को जप यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया, मंत्र के जाप भगवान के नाम को अत्यंत पवित्र माना गया, भगवान के नाम के उच्चारण को, मंत्रोच्चार को अत्यंत पवित्र माना गया, मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में जब गुरु बनाना होता है तो ऐसा नहीं कहते कि वो मंत्र, उसका नाम दिया है मंत्र दीक्षा, क्योंकि वो गुरु बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि गुरु शिष्य को मंत्र देंगे, उस मंत्र का जाप करके वह शिष्य ईश्वर की प्राप्ति करेगा। तो मंत्र दीक्षा यह मानो ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम, मुख्य माध्यम है, बाकी सब आनुषंगिक है। प्रार्थना भी सिखाई जाती है उसमें, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए वो भी सिखाया जाता है, बाह्य वर्षिप बाह्य पूजा कैसे करना चाहिए वो भी बताया जाता है। और उसका मुख्य हार्द है उस साधना का, ईश्वर प्राप्ति का, रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में वो है मंत्र जाप। इसलिए उसका नाम ही दिया मंत्र दीक्षा। अभी जैसे हमारे महाराज कोई भी आएंगे तो मंत्र दूत का यही कहेंगे, महाराज आकर के मंत्र दीक्षा प्रदान करेंगे, मतलब वो शिष्य गुरु बनाएंगे रामकृष्ण मठ मिशन के गुरु को, और इस प्रकार से साधना में आगे बढ़ेंगे। तो नाम दिया मंत्र दीक्षा, कि मंत्र देंगे और वही मंत्र जब किसी
जब मंत्र, तो ऐसे सभी मंत्र अपने आप में बड़े पवित्र हैं और कई मंत्र आपको शास्त्रों में भी मिलेंगे, तो अधिकांश वो मंत्र संस्कृत में है, बस सरल भी है, कोई कठिन भी है, जो भी होगा, पर उस मंत्र का जाप करने से भी अवश्य फल मिलता है। पर यही मंत्र यदि किसी ऐसे व्यक्ति को के मुख से यदि सुना जाए जिन्होंने अपने जीवन में उसकी उपलब्धि की है, उस मंत्र का जाप करके आध्यात्मिकता के स्तर पर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, उनके मुख से उस मंत्र को जब संचारित किया जाता है और शिष्य को कहा जाता है, तो उसका अपना एक अलग महत्व है। विशेष करके तांत्रिक क्रिया में तो इस मंत्र को अत्यंत पावरफुल माना गया, शक्तिशाली माना गया, और यही कहा गया कि उस समय के जमाने में तो ये मंत्र ही थे और कुछ नहीं था। अभी जो मिसाइल छोड़ी जाती हैं, उसी प्रकार की मिसाइल छोड़ी जाती थी कि केवल मंत्र के द्वारा वो तीर चलते थे, और ऐसा देखने तो तीर में कुछ नहीं है, पर वही ब्रह्मास्त्र हो जाता था। मंत्र के साथ जब जुड़ता था तो वो तीर ब्रह्मास्त्र बन जाता था, अग्नियास्त्र हो जाता था। जैसे मिसाइल जाकर के वहां पर आग पैदा कर सकती है, उसी प्रकार से साधारण से तीर वहां जाकर के आग पैदा कर सकते थे, नाग पैदा कर सकते थे, नाग उसमें से निकलते थे। कैसे? सब मंत्र के द्वारा, केवल मंत्र का प्रभाव, शब्दों का ऐसा प्रभाव है। तो शब्दों का अपना बहुत बड़ा प्रभाव है, ये तो हम लोग साइकोलॉजिकली भी समझ सकते हैं। कोई हमको अपने नाम से बुलाए तो तुरंत हम किसी भी भीड़ में जा रहे हो, हमारा नाम किसी ने लिया तो हम तुरंत आसपास देखने लगते हैं, बाद में पता पड़ता है मेरे नाम का दूसरा कोई व्यक्ति को कोई बुला रहा है, पर हम लोग सतर्क हो जाते हैं, कोई हमारा नाम लेता है। तो नाम का कितना महत्व है, नाम से किसी ने पुकारा तुरंत। तो जब हम सतर्क हो जाते हैं, ईश्वर सतर्क नहीं होंगे? हम जब ईश्वर का एक बार नहीं बारंबार नाम लेंगे तो ईश्वर को कृपा करनी पड़ेगी। तो ईश्वर का नाम, साधारण नाम में ये ताकत है, साधारण नाम में, अत्यंत साधारण नाम, खराब से खराब शब्दों में ऐसी ताकत है, साधारण शब्द में ऐसी ताकत है। तो ईश्वर का नाम तो अत्यंत पवित्र है, तो उसका वो जो मंत्र है वो तो अत्यंत पवित्र है, उसकी क्या असर नहीं होगी? अवश्य असर होती है। एक आदमी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो इस आदमी ने मेरे को गाली दिया था और इस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जाए। बोले क्या बोला था? बोले रिनो सिरोज बोला था, तो इसलिए उस पर कार्रवाई की जाए। जज ने पूछा कब बोला था? बोले 2 साल पहले। दो साल पहले बोला था, अभी तुम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो? बोले आज ही देखा उसको मैंने, जब जू में गया था तब पता पड़ा मुझे उसने गाली दिया था। मैं तो रिनोसिरोस मतलब अच्छा समझता था, आज जब जू में गया था रिनोसिरोस को देखा तब बोले लगा कि ये तो उसने मुझे गाली दिया था, इसलिए आप फाइल कर रहा हूं। ये शब्दों की असर 2 साल बाद हुई, ये असाधारण शब्दों की असर। 2 साल पहले किसी ने हमको कुछ कहा था, अभी भी हमें याद है, 2 साल पहले तुमने ऐसा कहा था, तुम इस प्रकार से बोले थे, नहीं मैं तुम्हारे लड़के की शादी में नहीं आऊंगा, 2 साल पहले ये बोला था तुमने शब्द। तो साधारण शब्द की ऐसी असर होती है कि सालों तक हम भूलते नहीं है। तो भगवान का नाम अमोघ, वो जब लिया जाता है, उसके मंत्र का जाप कर, एक बार नहीं बारंबार हजारों बार लाखों बार लिया जाता है, तो क्या उसकी असर नहीं होगी? अवश्य होगी। तो ये शब्दों का ये प्रभाव है, इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में यह मंत्र जाप का बहुत बड़ा महत्व कहा गया। हमारे हिंदू शास्त्रों में, सभी प्रकार के शास्त्रों में, सभी प्रकार के संतों ने ये मंत्र जाप की बहुत बड़ी महिमा का गान किया है, भगवान के नाम का बहुत बड़ा गान किया है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई राम से भी राम का नाम ज्यादा महत्व का, क्यों? बोले राम नाम से पत्थर तैरने लग गए। अभी इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ देखा है, कुछ पता नहीं कहां तक वो सच है, कुछ पत्थर ऐसे उन लोगों को मिले हैं जो आज भी पानी में तैरते हैं। बोले पुराने जो उस समय के उसी एरिया में जहां पर ये, और वो पुल भी मैन मेड ब्रिज है, ऐसा तो उन लोगों ने प्रमाणित कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, कि वह जो इतने हजारों वर्ष पूर्व का जो ब्रिज है, पुल है, वह साधारण इस प्रकार से बना हुआ नहीं है। इट इज अ मैन मेड ब्रिज, वो बनाया हुआ पुल है, ऐसा तो प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिक लोगों ने। क्योंकि जब राम सेतु को हटाने की बात हुई कि नहीं उसको तोड़ दिया जाएगा, वहां से जहाज वगैरह जाएंगे, तब ये सब बातें रिसर्च हुई कि सचमुच में राम सेतु है क्या, सचमुच में क्या
ऐसा सेतु बनाया गया था कि वो कल्पना है, और इस प्रकार का कोई पुल बनाया गया था नहीं कि वो कहानी है, पूरा का पूरा पूरा कहानी है कि रावण नाम का कोई था, राम नाम का कोई था, यदि था तो इस प्रकार का सेतु जो पुल बनाया था। इस प्रकार की कई बातें निकली, तब उन लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वह जो पुल बना है, अभी भी जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच का, वह जो पुल है वो मैन मेड ब्रिज है, मैन मेड है, ये प्रमाणित कर दिया। और उसमें के कुछ पत्थर को उन्होंने पानी में डाल के देखा तो आज भी पानी में तैरते हैं, वो डूबते नहीं, और बाकी सब पत्थर डालते हैं तो डूब जाते हैं, पर ये पत्थर उस समय के जमाने में राम नाम लिखा था अभी भी वो पत्थर तैरते हैं। कब इन लोगों ने राम नाम लिखा था, वानरों ने? अब वो कहानी किंवदंती है कि नहीं पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु ये बात है कि ये कहानी इस प्रकार से बोल रहे थे कि इन लोगों ने देखा कि पत्थर की इस प्रकार से हम लोग ब्रिज बनाएंगे तो पत्थर को डूब जाते हैं तो करेंगे क्या, और तब इन्होंने नील ने वगैरह ने आर्किटेक्ट ने कहा कि भाई उसमें राम नाम लिखा जाए, और राम नाम लिख करके पुल बना दिया, और रामचंद्र जी को कहा चलिए पुल तैयार हो रहा है, तैयार हो जाएगा। तो कैसे पुल तैयार होगा, कैसे पुल तैयार होगा? नहीं, ये पत्थर का पुल है, पत्थर का पुल समुद्र पर से कैसे होगा? अरे हम लोग का, हम लोग बस और कुछ नहीं करते, राम नाम लिखते हैं, आपका नाम लिख देते हैं और डाल देते हैं और तैरने लगते हैं। राम जी, ये क्या, ऐसा कभी सुना भी नहीं और देखा भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? नहीं नहीं ये हो गया। रामचंद्र जी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे होगा, पानी में पत्थर तैरते हैं। सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखें, अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा देख लेगा तो क्या होगा, और पत्थर मान लो डूब जाएगा तो। इसलिए वो अकेले अकेले समुद्र के किनारे बहुत आगे गए, तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु अभी एक अकेले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, वो भी गए। अकेले तो छोड़ना नहीं है, सामने ही लंका है, कब राक्षस कब कुछ सीता को उठा गए, हमारे रामचंद्र को उठा गए तो मुश्किल। अब वो रामचंद्र जाते हैं, देखते हैं आजू बाजू कोई नहीं, कोई नहीं है। एक जगह देखा एकदम एकांत है, समुद्र का किनारा है, पास में पत्थर था, जाकर के जैसे पत्थर डाला पत्थर डूब गया। अब रामचंद्र जी आसपास देख रहे हैं कि कोई है तो नहीं, देखा तो नहीं, देखा हनुमान जी आ जाए, हनुमान तुम यहां कहां से आ गए? ले प्रभु आप इधर उधर देख रहे, समझा कि आप थोड़ा सा अकेले रहना चाहते हैं। फिर देखा हनुमान, ये लोग बोलते हैं कि ये लोग मेरे नाम से पत्थर डालते हैं, पत्थर तैरते हैं, और मैंने पत्थर डाला डूब गया। हनुमान जी बोले इसमें नई बात क्या है? अरे भाई आप, आपका नाम ही इतना पवित्र है, वो सबको ताड़ता है, लोग भवसागर से पार हो जाते हैं तो पत्थर नहीं तैरेगा, ये क्या बात है? और दूसरे, और आप जिसको छोड़ते हैं उसकी किसकी ताकत है कि वो बच सके? जब आपने पत्थर का त्याग कर दिया तो उसको डूबना ही है, जिसका आपने त्याग कर दिया अपने हाथ से उसको तो डूबना ही है, आपका नाम ही ऐसा है जो सबको तार देता है, तो भवसागर से पार हो जाते हैं, तो वो भवसागर से तैर हो जाते हैं, तैर भवसागर को तैर लेते हैं आपका नाम का सहारा लेकर के, तो पत्थर नहीं तैरेंगे, नया क्या चीज? तो यह बताए आख्याय के द्वारा कि राम से भी राम नाम ज्यादा पावरफुल है, राम जो नहीं कर सकते राम नाम कर सकता है, ईश्वर का नाम ज्यादा शक्तिमान है ईश्वर से भी, तो इसलिए कहा गया कि भगवान का नाम लो। तो ईश्वर के नाम का ये करने के लिए बहुत प्रकार की आख्यायिका है, और इस प्रकार से वहां पर रुक्मिणी ने और सुभद्रा इन लोगों ने यह निर्णय किया था कि श्री कृष्ण भगवान को तौल करके उतना सोना दान में देंगे। अब श्री कृष्ण भगवान को बैठाया गया एक तराजू के एक तरफ, और दूसरी तरफ में सोना डाल रहे हैं, सोना डाल रहे हैं, सोना डाल रहे हैं, पल्ला नीचे नहीं हो रहा है, ये इतने भारी हैं श्री कृष्ण। अब ये
सुभद्रा तो बहुत तकलीफ में पड़ गई। रुक्मिणी ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। तुरंत वहां कहां से तुलसी का पत्ता ले आई, तुलसी के पत्ते में लिखा श्री कृष्ण का नाम लिखा, डाला, जैसे डाला तो पल्ला नीचे हो गया। कहने का मतलब ईश्वर का नाम ईश्वर से भी भारी है। इधर श्री कृष्ण बैठे हैं, इधर कृष्ण का केवल नाम है, तो कृष्ण का नाम कृष्ण से भी ज्यादा भारी हो गया और पल्ला नीचे हो गया। ऐसी बहुत सारी आख्यायिका हमारे शास्त्रों में है ईश्वर के नाम के, जो नाम का जो महत्व है उसको बताने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु मुनि हूं, शब्दों में एकाक्षर प्रण हूं, यज्ञों में जप रूप यज्ञ हूं, और स्थावर पदार्थों में मैं हिमालय पर्वत हूं। तो ये भी हिमालय पर्वत क्यों है, क्यों हिमालय पर्वत को ही उन्होंने कहा हिमालय पर्वत, ये भी हिमालय पर्वत की जो विशेषताएं हैं। बाकी सारी पर्वत और हिमालय पर्वत में अंतर क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पर्वत में मैं हिमालय में, सचमुच में हिमालय के पर्वत, हिमालय पर्वत के, इतना ही नहीं कि हिमालय पर्वत में कई ऋषि ने वहां तपस्या की, इतना ही नहीं कि वहां पर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां पाई जाती है जिसके द्वारा कई प्रकार के रोग दूर, ये सब छोटे छोटे बात है, पर ये हिमालय की अपनी खुद खूबियां हैं उसके बारे में बातें करेंगे। और ये जो जप यज्ञोस्मी न केवल हिंदू शास्त्रों में पर बाकी अन्य धर्मों में भी, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इस सभी धर्मों में मंत्र के जाप को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आज यही समाप्त करें।